अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट बिरयानी। ये मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश है, तो बहुत तरह से बनती है वाइट बिरयानी। अब बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ भी लोग बनाते हैं, कि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। क्योंकि बिरयानी जो है वो हमारे कराची की एक तरह से ईजाद है, और बहुत वैरायटी अब लोगों ने इसमें बना ली है। जो इसकी बिरयानी की बेसिक होती है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बिरयानी थी, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जल्द सिखाऊंगी। बहुत सादे मसालों के साथ बनती है वो। कच्चे गोश्त की बिरयानी एक मेरे सब्सक्राइबर की फरमाइश है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द बना के दिखाऊँगी आपको। ये भी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी, तो जो आज मैं पूरी कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसे सिंपल किया है और कम मसालों के साथ, बहुत लाइट उसमें बिरयानी का मज़ा भी आप लें और उसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी ना हों। ये ऐसी बिरयानी है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नाज़रीन, वाइट बिरयानी बन रही है। हम उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दें। हमने चिकन ली है, ये 1 किलो है। आधा किलो आलू हैं, अगर आपके यहाँ आलू ज़्यादा पसंद किए जा सकते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। घी का इस्तेमाल करेंगे, ये जो है हम तकरीबन हाफ कप यूज़ करेंगे। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 लौंगे हैं, 10 काली मिर्चें हैं, 5 जो हैं ये छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 तेज़पत्ते हैं। छोटे हैं तो आप 2 ले लें, बड़े हैं तो आप इसको जो है इसमें 1 भी ले सकते हैं। 1.25 कप के करीब ये दही है। प्याज 2 मीडियम साइज़ की हैं, जो अभी मैंने मोटी मोटी काटी हुई हैं। इसका क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों में आपके हिसाब से देख लीजिएगा कि बहुत तेज़ ना हो, ये खासी स्पाइसी हैं। और ये जो हैं ये तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें 1 पाव के हिसाब से ली हैं, 250 ग्राम के, यानी 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। मिर्चों का हिसाब मैं आपको एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकती कि आप जो है अपने घर में आपकी मिर्चें कितनी स्पाइसी है, क्योंकि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डलती, इसलिए हमको मिर्चों का हिसाब इसी से काउंट करना होता है। 3 टेबल स्पून लीमू है, टमाटर बिल्कुल नहीं डलते हम, इससे में जो खटास का जो है मज़ा लाएंगे वो लीमू से लाएंगे, तो 3 टेबल स्पून लीमू है। इसके अलावा यह आप देख सकते हैं जायफल जावित्री है, ये 1/2 टीस्पून ऐसे है कि लेवल्ड नहीं है, ये थोड़ा सा ओवर हुआ हुआ है, तो ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जायफल जावित्री है। इसे बहुत भी मत डालिएगा, क्योंकि इससे फिर टेस्ट ख़राब भी हो जाता है। नमक है, ये 3 टीस्पून है। अभी हम बाद में जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा चख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है। इसके अलावा ये आप ये देख सकते हैं, ये साबुत लाल मिर्च हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं। क्योंकि इसमें हम वैसे कोई कलर नहीं ऐड करेंगे, ना हम इस पे जर्दे का कलर डालेंगे, तो इसमें जो थोड़ा सा ग्रीन रेड कलर आएगा वो इन्हीं चीज़ों से आएगा। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। मैं आपको इसका एक प्रोसेस है, यानी हम पहले प्याज को थोड़ा सौते करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके आगे का बताऊँ। जी नाज़रीन, वाइट मसाला बिरयानी जो है हम उसके चावल उबालने जा रहे हैं। एज़ यूजुअल बहुत सिंपल सा मेथड होता है, जो नॉर्मली बिरयानी का होता है। हमने 1 किलो चावल लिए हैं, इसमें हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। मेरे चावल बनस्पति हैं और ये बहुत ज़्यादा भिगोने वाले नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। आप अगर सेला से बना रहे हैं तो आपको पता है वो तो काफ़ी देर पहले भीगते हैं, उस पर लिखा हुआ भी होता है, और आप नहीं तो आप जहाँ से ख़रीदें तो उनसे पूछ लें सेला के लिए स्पेशली, कि कितनी देर। अक्सर लोग 6 घंटे 7 घंटे उसको भिगोते हैं, यानी ओवरनाइट भिगोए जाते हैं।
और अगर आप सेला चावल से बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको बिरयानी के चावल फुल डन करने होंगे। आपको उसमें बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी। जैसे नॉर्मली हम चावलों में 3 कनी रखते हैं और चौथी कनी हम दम में उसकी ख़त्म करते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इसके अलावा ये साबुत गरम मसाला है, ये तकरीबन 12-13 काली मिर्चें हैं, 5 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इसके अलावा 2 तेज़पत्ता है, 1 मेरे पास खासी बड़ी दालचीनी है, दालचीनी से बड़ी अच्छी खुशबू आती है तो दालचीनी है, और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा नमक, नमक का हिसाब मैं अक्सर अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि 1 कप यानी 250 ग्राम में 1 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच नमक होता है, डलता है। तो अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम बिरयानी के चावल यानी पसाए हुए चावल बनाएंगे, इनका इसका हम पानी निकाल देंगे तो इसमें हम पानी की मकदार, सॉरी नमक की मकदार हम डबल कर देंगे। इससे ये होता है कि क्योंकि जब हम ड्रेन कर रहे होते हैं तो उसमें आधा नमक निकल जाता है, यानी समझें अगर हम इसमें 8 चम्मच डालेंगे तो असर इसमें 4 चम्मच का ही आएगा। तो यानी हम इसमें 8 टीस्पून, ये टीस्पून का मेजर मिनट का स्पून है, मैंने इसीलिए रखा है कि आपको दिखा सकूं कि ये लेवल्ड 8 चम्मच जाएगा। 4 चम्मच नॉर्मल चावलों में जो आपको पसाने नहीं है, और जब आपको चावल पसाने हैं तो उसमें 8 चम्मच जाएगा, इसमें 8 चम्मच जाएगा 1 किलो चावलों में। मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, खुशबू भी आती है और इससे बहुत अच्छा जो है उसमें एक फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आता है जी। हम पानी पकने चढ़ा देंगे ये सब चीज़ें डाल के, नमक, लेमन, हरी मिर्चें और ये साबुत गरम मसाला। तो जब पानी पकने लगेगा तो फिर हम उसमें राइस डालेंगे, और इसे क्योंकि बासमती चावल हैं तो हम इसे 3 कनी पे उबालेंगे और फिर उसको दम देंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। नाज़रीन, तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने घी लिया है। वैसे घी का हमेशा याद रखें, घी तेल आप इस्तेमाल करें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा खाया जाता है तो थोड़ा आप घी बढ़ा भी सकते हैं। वैसे आइडियली जो है 1/2 कप घी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी ये प्याज मैं इसमें डाल के थोड़ा सा इसे ट्रांसपेरेंट करूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जी। नाज़रीन, प्याज हमने पीस ली है, मैं आपको दिखा दूँ, प्याज और हरी मिर्च मैं पीस चुकी हूँ, ये देखिए। अब मैंने इसमें जो तेल था, घी था सॉरी, उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब घी और डाला है, और अब मैं इसमें ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। देखिए वो पकने लगी, ज़ीरा फ़ौरन पकना भी शुरू हो गया, और अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक शामिल करूँगी। जब लहसुन अदरक थोड़ा पकने लगेगा यानी थोड़ा सा भुनाई पे आ जाएगा, तो देखिए लहसुन अदरक वैसे भी बहुत जल्दी पकने लगता है, तो मैं अब ये प्याज इसमें शामिल कर लूँ। प्याज आपको पता है वैसे भी पकती ही है, हम ट्रांसपेरेंट कर चुके थे उसे। थोड़े पानी के साथ मैं इसको इसमें इतना जार में प्याज और हरी मिर्च वो भी शामिल कर, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और इसके साथ अब मैं ये आलू इसमें शामिल कर रही हूँ। अक्सर लोग इसमें आलू बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल बिरयानी भी बना रही हूँ तो भी, और इसमें भी कोशिश करती हूँ कि मसाले के साथ मैं आलूओं को पकाऊँ। उससे ये है कि आपको पता है कि आलू अगर उबले हुए हों, वैसे कच्चे हों, तो उसमें नमक फीका फीका रह जाता है, और इस बिरयानी में तो हम वैसे दूसरे मसाले डालेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको इसी में पकाएंगे और इसमें गला लेंगे जी। ना जी, ये देखें ये पकने लगा है। अब मैं इसमें 1 तो सफ़ेद
सफ़ेद मिर्च, मिर्च के साथ हमेशा लाल का लफ्ज़ लगता है तो मुझे लाल ही निकल रहा है। और साथ में ये 3 टीस्पून नमक हम डाल रहे हैं, और साथ में ये दही जो हमने 1.25 कप के करीब रखा है, लेकिन ये दही हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। पहले हम 2 चम्मच डाल देंगे, थोड़ा इसे मिक्स करेंगे, वक्फे वक्फे से हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच आधा दही डाल देंगे, और अब बाकी दही भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारे आलू इसमें गल जाएं। इसी मसाले में हम आलूओं को गला लेंगे। ये देखें इतना सारा मसाला है, आराम से आलू इसमें गल जाएंगे। आलू गल चुके हैं हमारे अच्छे से, और इसके अलावा इसका पानी भी खुश कर दिया है मैंने बिल्कुल। और अब मैं इसमें ये चिकन, जो मैंने आपको बताया था कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लगा के रखा था, अब मैं इसमें ये शामिल करके और इसमें ये इसको भूनूंगी, क्योंकि मेरी चिकन मैं आप बता चुकी हूँ कि मैंने इसमें जो दही लगाया उससे अच्छी टेंडर हो चुकी है, अब इसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये मैं इसके साथ तेज़ आँच पर इसका जो कलर ट्रांसपेरेंट करूँगी और इसको मैं पका लूँगी। जी नाज़रीन, चिकन मैंने इसमें शामिल कर दी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने इसको 2 टेबल स्पून के साथ मैंने इसको दही के साथ टेंडर करके रखा था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, और ये खूब अच्छी टेंडर सी है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी चिकन फ्रीज़र की है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी चिकन जो है वो फ्रेश है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा गलने में, लेकिन क्योंकि मैंने ला के इसको फ्रीज़र में रख दिया था 24 घंटे के लिए, तो उससे ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है और ये बहुत जल्दी पक जाएगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेरी चिकन जो है वो फ़ौरन ही उसने कलर चेंज कर लिया है, और अब मैं इसमें जो हमारे 2-3 मसाले बाकी थे मैं वो शामिल करूँगी। ये हरी मिर्चें बिल्कुल साबुत मैंने इसमें डाली है, साथ में ये जायफल जावित्री पाउडर और ये साबुत लाल मिर्च। आज ये जो जायफल जावित्री है थोड़ी थोड़ी पीसना मुश्किल होता है, तो आप इसको एक इक्वल क्वांटिटी में इसको आप पीस के रख लें, और फिर उसमें से आप ये 1-1.5 महीना आपका आराम से निकल जाता है, कोरमे में डलता है, बिरयानी में डलती है जायफल जावित्री, तो आप उसमें इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन एक एक, जैसे एक आपने जायफल ले ली साबुत, और उसके अलावा उतनी ही तकरीबन अंदाजे से आपने क्वांटिटी उसकी जावित्री की ले ली, और फिर आप उसे पीस लें। इसके अलावा हम इसमें लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। और 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट भी काफ़ी है, तो हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि ये जो नींबू हमने डाला है ये अच्छी तरह इसमें रख जाए। उसके बाद हम चावल जो उबाल रहे हैं ये पानी चढ़ा दिया है, अब हम इसको मैं आपको फिर दम लगाना बताऊँ। जी नाज़रीन, अब हम हमारे चावल भी उबल गए हैं और चिकन भी तैयार हो गई है, तो अब हम जो है बिरयानी को दम देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून भर का घी इसमें डाला है, और मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें, या आप 1/4 कप से थोड़ा कम जो है पानी इसमें डाल दें, इससे इसमें स्टीम पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस पे चावल डालूंगी,
हाफ चावल मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं जो हमने चिकन तैयार की हुई थी वो इसमें डाल दें। जी नाज़रीन, ये देखिए तमाम चावल हमने इसके ऊपर डाल दिए और अब ये दम पे रख दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बिरयानी एसेंस है जो बाहर के मुल्कों में एशियन शॉप्स और स्पेशली पाकिस्तानी शॉप्स पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो और ये ना अवेलेबल हो वहाँ तो केवड़ा एसेंस मिल जाता है। मैं कई दफ़ा अपने चैनल पे बता चुकी हूँ कि आप एसेंस यूज़ करें बजाय इसके केवड़ा वाटर के, ये थोड़ा लगता है और इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप एक तकरीबन एक टेबल स्पून भर कर मैं इसमें घी ऊपर से भी, ताकि चावलों में अच्छी सी थोड़ी सी शाइन सी आ जाती है, तकरीबन एक टेबल स्पून कि ये मेरा चम्मच जो है ये छोटा है टेबल स्पून से, तो मैंने इसको इस तरह डाला है। और बस अब मैं इसको लगा के, और अभी तक मैं इसको तेज़ आंच पे रखा हुआ था और अब मैं इसकी आंच हल्की करके, ताकि इसमें जो स्टीम बन गई है अब वो इसमें अच्छी तरह हो जाए। और अब मैं आपको इसको तकरीबन ये 10-15 मिनट लगेंगे और ये हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार वाइट बिरयानी तैयार है। बहुत इजी वे में, मैं सिंपल तरीक़े से आपको बहुत इजी तरीके से बताई है। उम्मीद है कि पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको इजी वे में आपको इसमें रेसिपीज़ मिलेंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।